नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मौसमी झटपट रेसिपी में। आज हम बनाने जा रहे हैं गोंद सूजी का हलवा, जो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है और हमारे लिए बहुत हेल्दी भी है, क्योंकि ये सिर्फ सूजी का हलवा नहीं है, हमने इसमें गोंद भी ऐड किया हुआ है। और हम इस हलवे को बच्चों का टेस्ट को हम ध्यान में रखते हुए बनाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं हम किस तरह से बच्चों के लिए बना रहे हैं। ये देखते हैं झटपट गोंद सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। हम इस सर्विंग स्पून से 5 स्पून हमने सूजी लिया हुआ है, 5 सर्विंग स्पून, एंड 2 स्पून हमने गोंद लिया हुआ है। ये 2 स्पून गोंद हम जब घी में फ्राई करेंगे तो ये लगभग 1 बाउल के बराबर हो जाएगा। तो हम गोंद और सूजी का क्वान्टिटी सेम रखेंगे। अब और 4 स्पून हमने शुगर लिया हुआ है, इसके लिए हमें 4 स्पून शुगर हमने अभी लिया हुआ है। फिर हम बाद में देखेंगे कि हमें कितनी ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 1 बाउल मिल्क लिया हुआ है। मिल्क और वाटर दोनों मिक्स करके हम ऐड करेंगे, और उसके लिए हमें ड्राई फ्रूट की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमने थोड़े से काजू लिए हुए हैं, थोड़े से किशमिश, और 10 से 12 हमने आलमंड के पीसेस लिए हुए हैं। पहले हम ड्राई फ्रूट को हल्के फ्राई कर लेंगे। अभी हमने फ्लेम फुल रखा है, सबसे पहले हम इसमें काजू ऐड करेंगे। काजू को हम खोल के भी डाल सकते हैं। और हम ऐसे साबुत भी डाल सकते हैं, या हम बाद में इसे कट करके गार्निशिंग करेंगे। अब देख रहे हैं कि काजू हल्के ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसको हटा लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। किशमिश भी हम हल्के से उस घी में डालते ही 1 सेकंड में ही हम उसे निकाल लेंगे, वरना किशमिश बहुत जल्दी जल जाती है। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि डालते ही हम उसे थोड़े से 2 बार चलाते ही हम उसे बाहर निकालेंगे घी से। आप चाहे तो इसे बिना फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं। और हम 10 से 12 आलमंड लिया हुआ है हमने, इसको भी हम हल्के से रोस्ट कर लेंगे। हल्के से घी में रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। अब हम इन सबको कट करके ऐड करेंगे। अब ये इसमें हम सूजी ऐड कर रहे हैं, सूजी को भी हम थोड़े से हल्के रेड होने तक फ्राई करेंगे सूजी को। अब हमारी सूजी लगभग रेडनेस आ गया है इसमें। अब हमारे ये सूजी प्रिपेयर है, रेड हो गया है, देख, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। जब तक सूजी रेड हो रहा था, तब तक हमने ड्राई फ्रूट कट करके रेडी कर लिया, और गोंद को हमने मिक्सी में चला के पीस लिया है पाउडर। अब इस गोंद को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, और इसके साथ हम इसमें ये 1 बाउल जो हमने मिल्क रखा है वो हम धीरे धीरे इसमें ऐड कर देंगे। 1 बाउल मिल्क और साथ में 1 बाउल वाटर। हमने गैस को भी स्लो किया हुआ है, स्लो
इसको हिलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बन जाए। चलाते हुए हमें पानी और मिल्क ऐड करना है। अब हमने जो शुगर रखा है, अब ये शुगर हम इसमें 4 स्पून ऐड करेंगे। आजकल बहुत मीठा लोग नहीं प्रेफर करते हैं, तो हम इसे मीडियम ही मिठास आए वो ऐड करेंगे, और हम इसे मीडियम फ्लेम में ही पकाएंगे और इसे चलाते रहेंगे कि इसमें लम्स ना आ जाए। आप चाहे तो यहाँ मिल्क की जगह फ्रेश मलाई, जो हमारे दूध, जब भी हम दूध गर्म करते हैं तो फ्रेश मलाई निकलती है, हम चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं वाटर के साथ। और अगर आप ज़्यादा हैवी नहीं बनाना चाहते हैं तो हम वाटर ऐड कर लेते हैं, वाटर और मिल्क हाफ हाफ, क्योंकि ऑलरेडी हमने घी में ही फ्राई किया हुआ है सब कुछ, तो फिर ये मलाई के साथ ज़्यादा हैवी हो जाएगा। और हम इसे मीडियम फ्लेम में ही धीमे धीमे पकाएंगे ताकि ये सूजी जो अच्छे से फूल जाए और अच्छे से पक जाए। हमने इसे धीरे धीरे चलाते रहना है, नहीं तो ये बाहर की ओर आ रहा है। और हम इसे अब एकदम स्लो फ्लेम में ही फ्लेम कर दिया हमने, धीरे धीरे हम इसे चलाते रहेंगे वरना ये बाहर आ सकता है। अब ये ऑलमोस्ट हो गया है ऑलमोस्ट, बट हम इसे थोड़ा सा और ड्राई होने देंगे। अभी हमने फ्लेम हाई कर दिया है, अब हम हाई फ्लेम पे इसको थोड़ी देर और अच्छे से पकाएंगे। अब इसमें हम हाफ हाफ इसमें हम किशमिश पूरा ही ऐड कर देंगे, और काजू हम हाफ ऐड करेंगे, और आलमंड भी हम हाफ ऐड करेंगे, और हम हाफ हाफ रखेंगे गार्निशिंग के लिए। जब हम गार्निशिंग करेंगे तो इस हाफ को यूज़ करेंगे। अब अगर आपको लग रहा है कि हलवे में घी थोड़ी सी कम है, तो हम अभी ऐड करके अच्छे से हलवा को और थोड़ी देर पका सकते हैं। अगर आप प्रेफर करते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो ऐसे भी ये टेस्टी लगता है। बट हम यहाँ थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं ताकि ये, क्योंकि ऑलरेडी गोंद भी घी में ही पका हुआ है तो वो भी घी छोड़ेगा, और सूजी भी हमने घी में ही फ्राई किया, सब कुछ ड्राई फ्रूट भी हमने घी में ही रोस्ट फ्राई किया है, तो हम वो भी सब अपने अपने घी छोड़ेंगे, वो काफ़ी हो जाएगा। अगर आप ये ऊपर से ऐड करना चाहते हैं घी तो ही आप करिए, अदरवाइज आप ना भी करें तो भी यह हलवा बहुत टेस्टी बनेगा और हेल्दी बनेगा, और ये झटपट बन जाता है, इसे पकाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। अब हम हाई फ्लेम पे हलवे को थोड़ी देर और छोड़ देंगे। अब ये कढ़ाई से अलग हो गया, आप देख सकते हैं कितना से ये हमारा बन के रेडी हो गया। आप देख सकते हैं ये कढ़ाई पे नहीं चिपक रहा है, तो इतने से ये बन गया है, अब हमारा हलवा प्रिपेयर हो गया है। इसको गार्निशिंग के लिए इसमें सर्व करेंगे, सर्विंग बाउल में हमने इसको डाल के हलवे को ऊपर से गार्निश भी कर लेंगे। जो हमने ड्राई फ्रूट हाफ हाफ बचाया हुआ है वो हम डाल के, अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। बहुत अच्छे उसमें आ जाएगा, बहुत अच्छे फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारा बनके रेडी है, झटपट
सूजी और गोंद के हलवा, ये हमारा बन के रेडी है, गोंद सूजी का हलवा झटपट।